ग्रहों की माया, ग्रहों की चाल निराली है। सारा संसार देवताओं के नवग्रहों के अधीन है। आज पूरा विश्व कोरोना नामक वायरस से जूझ रहा है। इसके होने, फैलने आदि के कारण जो है अज्ञात प्रतीत होते हैं। ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके कारण दुनिया में जो है कोरोना के माध्यम से हाहाकार मचा, पूरे विश्व के अंदर इस महामारी से 22 लाख से ज्यादा लोग जो है संक्रमित हैं, वहीं 1,70,000 से भी अधिक लोग जो है इस महामारी से काल कवलित हो चुके हैं। ऐसे कौन से ग्रह हैं, ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति है जिसके माध्यम से विश्व में इस वायरस ने अपने पांव जो है फैला लिए। गुरु अतिचारी हुआ, वही जो है शनि वक्री हुआ, ये दोनों स्थिति ने पूरे संसार में कोरोना के माध्यम से हाहाकार मचा दिया। उसके साथ 24 जनवरी 2020 को दंडाधिकारी शनि ने अपनी स्वयं की राशि में 30 वर्षों के बाद 2.5 साल के लिए प्रवेश किया। 22 मार्च को मंगल भी उसमें शामिल हो गए। वहीं 29 और 30 की दरमियानी रात को देवराज बृहस्पति ने गुरु, मंगल और शनि के साथ युति बनाकर पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। भारत में इस बीमारी की पहली शुरुआत 30 जनवरी के लगभग हुई। पहला प्रकरण हमारे सामने आया। यदि हम पाश्चात्य नववर्ष की कुंडली का अध्ययन करें, नववर्ष प्रवेश की कुंडली का अध्ययन करें, तो हम पाते हैं कि चतुर्थ भाव जो जनता के सुख का भाव है, उसमें 5 ग्रहों की युतियां विराजमान है। इस पंचग्रही युति के कारण ही जो है इस संक्रामक बीमारी ने जो है पांव पसारने का काम जो है तेजी से प्रारंभ किया। छाया ग्रह केतु के साथ शनि सूर्य की युति ने पूरे विश्व में भय और नकारात्मकता का वातावरण जो है पैदा कर दिया। इस विषाणु और वायरस का संबंध कुछ ज्योतिर्विद जो है छाया ग्रह राहु से भी मानते हैं। 4 मई को शनि, मंगल और गुरु की युति पहली बार भंग होगी, क्योंकि मंगल जो है इस युति से बाहर होगा। जैसे ही मंगल इस युति से बाहर होगा, लोगों को आंशिक रूप से कुछ राहत इस वायरस से प्राप्त होगी। वहीं 14 मई से कोरोना महामारी के पतन का श्री गणेश प्रारंभ हो जाएगा। 14 मई से 22 जून के बीच कोरोना वायरस के अस्तित्व को समाप्त करने पर वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा शोध हो सकता है, कोई वैक्सीन निकल सकती है, या कोई अन्य उपाय जो है चिकित्सक और वैज्ञानिक जो है ढूंढकर जनता को राहत पहुंचा सकते हैं।
धनु राशि का बृहस्पति इस महामारी में सकारात्मक परिणाम देने की स्थिति में रहेगा। 13 सितंबर का दिन इस महामारी के अंत का दिन होगा। 13 सितंबर को गुरुदेव मार्गी होंगे। वहीं सितंबर माह में ही इस संक्रामक वायरस विषाणु का कारक राहु 19 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तित कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। भारद्वाज ज्योतिष एवं आध्यात्मिक शोध संस्थान ने वैश्विक महामारी कोरोना पर ये जो ज्योतिषी विश्लेषण प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से 4 मई से इस महामारी से देश और विदेश की जनता को कुछ राहत प्राप्त होगी। 13 सितंबर और 19 सितंबर के बीच जो है इस महामारी के अंत का श्री गणेश होगा। भारत आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक अध्यक्ष मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद।